हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वाटर मेलन स्वीट रोल्स। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए तारबूज से तैयार किया हुआ सीड। तो आप ये देख रहे हैं, इस तरह से सीड जो है मैं घर पे तैयार करती हूँ। तो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगी। और इसके बाद हमें इसे गोल गोल काट लेना है। किसी ढक्कन की मदद से इस तरह से हमें काट करके पहले तैयार कर लेना है। और यहाँ पे 4 कटोरी में चाशनी लेना है। चाशनी को कलरफुल बनाते हैं, तो हर कटोरी में अलग अलग कलर डाल करके इन्हें हमें इस तरह से तैयार कर लेना है। यहाँ पे जो कलर है इसमें से सभी में 4 पीस डुबो डुबो करके हमें अलग कर लेना है। और थोड़े टाइम के लिए इसका चाशनी जो है अच्छे से निकल जाना चाहिए, तब तक हमें इसे छोड़ देना है। और कुछ को हमें इस तरह से कलर कर लेना है। आप चाहें तो प्लेन भी रख सकते हैं, और चाहें तो इस तरह से साइड साइड से कलर करके थोड़ा सा डेकोरेट कर सकते हैं। और अब इससे हमें बनाना है गुलाब, तो थोड़ा खोवा का भी जरूरत पड़ेगा। इस तरीके से रखना है, फिर इसके ऊपर इसे रखना है, फिर ऐसे इस तरह से हमें रख लेना है। थोड़ा सा खोवा ऐसे लगाते जाएंगे और घुमाते जाएंगे। कोशिश करेंगे नीचे साइड से घुमाएं। इस तरह से, और नीचे पकड़े रहेंगे और ये ऊपर पंखुड़ियां जो हैं खोल देंगे। ये हमारा गुलाब तैयार हो जाएगा। और यहां से हम एक टूथपिक लगा देंगे। और इसी तरह से बाकी कलर को भी तैयार कर लेते हैं। और अपनी मिठाई के साथ आप चाहें तो ये गुलदस्ता रख सकते हैं, वाटर मेलन स्वीट रोज। और मीठा का मीठा हो गया और गुलदस्ता का गुलदस्ता हो गया, तो डेकोरेट भी हो गया और मीठा भी हो गया। और अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।